हेलो दोस्तों, आप सभी की क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो पूरे दिन पढ़ता है बट उसके मार्क्स नहीं आते, और जबकि एक स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो पढ़ता भी है और मज़े भी लेता है लेकिन उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें करके आप पढ़ाई के साथ मस्ती करके भी एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, या सिंपल वर्डिंग में बोलूँ तो आप टॉपर बन सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट आप यार चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके अपने भाई का चैनल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी पर्सनल एक्सपीरियंस है और इफेक्टिव चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और चाहिए तो हर एक चीज़ को फॉलो करना ताकि आपको बेनिफिट मिले। टिप नंबर 5, फोकस ऑन ईजी टॉपिक। देखिए ये तो सभी को पता है कि हार्ड टॉपिक तो पढ़ना ही है, बट अगर आप हार्ड के चक्कर में ईजी को भी ना पढ़ो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है, क्योंकि ईजी टॉपिक ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप इजीली एक बार पढ़ के स्कोर कर सकते हो। तो आपको पहले उन टॉपिक को कवर करना है ताकि आपके मार्क्स कुछ हद तक तो बढ़ सकें पहले, उसके बाद जब आपका ईजी टॉपिक तैयार हो जाएगा उसके बाद आप टफ टॉपिक को पकड़। टिप नंबर 4, फोकस ऑन क्वालिटी। ये तो सभी को पता है कि बच्चे सोचते हैं मैं एक दिन में 4 चैप्टर पढ़ूंगा, बट उन 4 चैप्टरों को पढ़ने का क्या फ़ायदा जिनका कुछ आउटपुट ना हो। इससे अच्छा आप एक चैप्टर पढ़ो बट सॉलिड पढ़ो। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी से ज़्यादा आपको ध्यान क्वालिटी के ऊपर देना है। मेरा मानना तो ये है, अगर एक आदमी हेल्दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉप ही करे, इसका मतलब ये है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो। तो मैं तो ये कहूँगा आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। और मेरी तो टिप नंबर 2 है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये बोलना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल है, और इसके लिए तो मैं सबसे ईजी चीज़ बोलूँगा, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप राइट ट्रैक पर चल रहे हो, आप जो कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो, आप सेम पैटर्न कर रहे हो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। मेरी तरफ से आपको फाइनल टिप ये है कि बहुत से टाइम आपको बहुत कुछ या सब कुछ पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल या सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि जो भी आपने पढ़ा है अपने किसी दोस्त को या गधे दोस्त को चिपका दो, उसे पढ़ा दो। अगर आप उसको वो पढ़ा दोगे या समझा दोगे तो ये आपको भी याद हो जाएगा और किसी और का भी भला हो जाएगा, और इनडायरेक्टली अगर आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा ही। तो आप इस चीज़ों को कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी।